दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपना ईशा योगा सेंटर विजिट करने का पूरा एक्सपीरियंस। तो जी जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं रामेश्वरम से निकल चुका था कोयंबटूर के लिए और कोयंबटूर जाने के लिए मैंने बुक की ये ओवरनाइट बस जो कि मुझे पड़ी 1300 रुपये की और इसे लेकर के 10 घंटे की जर्नी करने के बाद मैं पहुंच गया सुबह सुबह कोयंबटूर। तो ये उतर चुका हूँ भाई मैं कोयंबटूर के बस स्टैंड पर। सुबह सुबह ही पहुंचा दिया यार बस ने 5 बजे ही। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी भाई बस इतने टाइम से पहुंच जाएगी। और फिर बस स्टैंड से मैंने बोर्ड कर लिए ईशा योगा सेंटर जाने वाली बस और रास्ते के नजारे एंजॉय करते हुए मैं पहुंच गया ईशा योगा सेंटर। तो वही अपनी बस खड़ी है और मैं पहुंच गया हूँ इस वक्त आदि योगी योगा सेंटर। तो सुबह सुबह मैं जैसे ही कोयंबटूर की बस से उतरा तो मेरे को जो है ये बस खड़ी मिल गई और मैंने डिसाइड किया कि भाई अभी मैं जाऊंगा आदि योगी योगा सेंटर। तो सुबह सुबह ही मैं जो है इस बस को पकड़ के यहाँ पर आ गया। 5:30 बजे चली थी और 6:30 बजे जो है इसने पहुँचा दिया है मुझे यहाँ। और यहाँ से वापस जाने के लिए जो है हर आधे घंटे में बस चलती रहती है और बस का टिकट प्राइस है 50 रुपीज़ गांधीपुरम बस स्टैंड कोयंबटूर से आदि योगा सेंटर तक और यही प्राइस वापस जाने का भी है। और ये जो है पार्किंग है, बाकी यहाँ से जो है एंट्री है अंदर जाने के लिए। और ये देखो यहाँ पर भी बस की टाइमिंग्स लिख रही हैं। तो यहाँ यहाँ से बसेज आती हैं, ईशा योगा सेंटर बोलते हैं ना इसे, तो ईशा टू गांधीपुरम और गांधीपुरम टू ईशा। तो भाई ये है अंदर आदि योगा सेंटर और यहाँ पर जो है ना ध्यान लिंग है और उसका टाइम आप देख सकते हो, सुबह को 6 बजे से रात को 8 बजे तक खुलता है ये। और अंदर जो है ना कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है, ना फ़ोन ना बैग ना कैमरा, सब कुछ आपको डिपॉज़िट करना होता है। ये सामने डिपॉज़िट सेंटर है, यहाँ पर आप अपने सामान को डिपॉज़िट कर सकते हो, स्कैन करवा करके अपना डिटेल्स वगैरह लिख करके यहाँ पर डिपॉज़िट कर देना, फिर आप यहाँ अंदर जा सकते हो। और अंदर एंटर करते ही आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा सा सूर्य कुंड जहाँ पर आप अगर चाहें तो स्नान कर सकते हैं। सूर्य कुंड जो है वो मेल्स के लिए है और ऐसा ही एक जो है फीमेल्स के लिए अलग से बनाया गया है जिसका नाम है चंद्र कुंड। उसके बाद आप जो है अंदर टेम्पल्स वगैरह विजिट कर सकते हो। एक है लिंग भैरवा टेम्पल जो कि बहुत ही सुंदर है और उसके बाद आप जा सकते हो ध्यानलिंग में। और ध्यानलिंग मुझे सबसे बढ़िया जगह लगी, वहाँ पर मेडिटेशन अगर आपको करनी हो तो उससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। जब मैं वहाँ पर अंदर गया तो वहाँ कम से कम 50 से 60 लोग थे लेकिन तब भी इतनी ज़्यादा शांति थी जैसे कि वहाँ कोई भी ना हो और सभी लोग जो है ध्यान लगा रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था अंदर, बहुत ही ज़्यादा शांति थी। दोस्तों अगर आप ईशा योगा सेंटर में स्टे करना चाहते हो तो आपको ईशा योगा सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ पर आ कर के जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ अकोमोडेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको कॉटेजेस और वॉलंटियर अकोमोडेशन, दो टाइप के आपको अकोमोडेशन देखने को मिलेंगे। तो वॉलंटियर अगर आप करना चाहते हो तो आप उसमें रुक सकते हो, नहीं तो जो है अगर आप नॉर्मल स्टे करना चाहते हो तो कॉटेजेस के ऑप्शन पर आप बुक नाउ पर क्लिक कर देना और फिर अपनी डेट्स वगैरह सेलेक्ट करके चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी डेट्स पर रूम अवेलेबल है या नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे रूम्स अवेलेबल हैं अभी और भी नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इस वेबसाइट का यूज़ करके आप अपना यहाँ पे स्टे जो है वो बुक कर सकते हो। बाकी जो स्टैचू है ना शिव जी का वो उस साइड है और वहाँ पर जाने के लिए आप अपना सामान वगैरह लेकर के जा सकते हो, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है एक फूड कोर्ट भी है तो मैं भी अभी देखता हूँ कुछ खाने पीने के लिए बढ़िया सा मिल जाए तो यहीं पर खा लेता हूँ, भूख लग रही है मुझे। तो ये देख सकते हो ये पूरा मेन्यू है यहाँ पे, जूसेस, मिल्क शेक, सैंडविच और ये सारा और मेन्यू, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार यहाँ पे, तो आप जो है अपने हिसाब से देख करके ले सकते हो। तो भाई ये मैंने खाना ले लिया यहाँ पर, पूरी सब्जी और चाय, और वहाँ से बिल कराना है और यहाँ पर जो है ले सकते हो आप। तो भाई जो भी यहाँ पर खाना मिलता है ना बहुत ही बढ़िया मिलता है, देसी घी का पूरा खाना है और रेट्स भी जो है ना नॉमिनल से हैं।
तो बढ़िया लगा मुझे। और अब मैं जा रहा हूँ शिव जी के स्टैचू की तरफ, जो कि उस तरफ है। और ये लो जी, यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है महाकाल का, शिव जी का स्टैचू। तो ये कुछ ऐसा पूरा खुला खुला सा बढ़िया एरिया लग रहा है। तो ये आप देख सकते हो भाई सामने से स्टैचू, बहुत ही ह्यूज स्टैचू है ये। और भाई ये जो शिव जी का स्टैचू है ना, ये 34 मीटर्स ऊंचा है, इसकी हाइट है 34 मीटर्स। और भाई शिव जी को ही जो है ना आदि योगी भी कहा जाता है। शिव जी को आदि योगी इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिव जी ही जो हैं सबसे पहले योगी माने जाते हैं, और शिव जी जो हैं वो सबसे बड़े योगी भी हैं। और ये रहा वो पूरा एरिया जहाँ पर जो है सदगुरु जी कॉन्सर्ट्स वगैरह करते हैं। तो यही है वो पूरी जगह जहाँ पर जो है ना स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं। और जो यहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं ना सामने, उनका नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। और यहाँ स्टैचू के जस्ट नीचे एक और टेंपल है जिसका नाम है योगेश्वर लिंग, और आप यहाँ पर भी आकर के ध्यान लगा सकते हैं। बाकी क्योंकि मैं यहाँ पे सुबह सुबह आ गया था और अभी जो है सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं, तो यहाँ भीड़ काफ़ी कम है। और अगर आप जो है बाद में आओगे, दोपहर के टाइम में आओगे या शाम को आओगे, तो आपको यहाँ बहुत सारी भीड़ देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग आ जाते हैं उस टाइम पर यहाँ पर। तो अब मैं इस जगह से निकल रहा हूँ और आगे चलते हैं। आज मेरे को जो है शायद कुनूर भी जाना है, तो वहाँ मैं शाम तक ही पहुँचूँगा। अभी तो यहाँ से जाने में मुझे 1-1.5 घंटा लगेगा बस, लगभग शायद आधे एक घंटे बाद है, और 1 घंटा फिर पहुँचने में लगाएगी बस। और फिर हमारी आगे की जर्नी शुरू होगी, कुनूर और ऊटी जाऊँगा मैं, और उसके बाद का भी प्लान है वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो भाई अभी मैं थोड़ा सा जल्दी में जा रहा हूँ बस स्टॉप जहाँ पर है उसकी तरफ, क्योंकि एक बस जो है अभी जाने वाली है जस्ट 5 मिनट बाद, और अगर वो बस निकल गई तो फिर अगली बस जो है सीधा 1 घंटे बाद है, तो 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा। उससे अच्छा भाई अभी जो बस जाने वाली है उसमें बैठ जाऊं और चलता हूं यहां से। तो भाई फाइनली पहुंच गया हूं टाइम पर और बस खड़ी है, और बैठते हैं बस में और निकलते हैं भाई। तो ये है भाई कोयम्बटूर का न्यू बस स्टैंड, और यहाँ से बस चलती है ऊटी के लिए। ऊटी के लिए वहाँ से बस नहीं चलती, गांधीपुरम वाले बस स्टैंड से, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। वैसे मेन बस स्टैंड गांधीपुरम वाला ही है। लो भाई आते ही सामने ही बस मिल गई है खड़ी हुई, ऊटी की ये खड़ी है, बैठते हैं इसमें, इसलिए चलते हैं। तो भाई ऊटी पहुंच चुका हूं और हमारा स्वागत हुआ है थोड़ी सी बारिश के साथ। इस वक्त जो है शाम के 6 बज रहे हैं और मैं ऊटी अब पहुंचा हूं, और कल से जो है मैं लगातार 24 घंटे से लगभग ट्रैवल ही कर रहा हूं। कल शाम को 7:15-7:30 बजे जो है रामेश्वरम से बैठा था कोयम्बटूर की बस में, फिर सुबह को थोड़ा कोयम्बटूर घूमा और अब जो है ऊटी आ चुका हूं। और भाई यहां ऊटी में जो है ना काफ़ी ठंडा टेम्परेचर हो रहा है अभी जो है, यहां पे इस वक्त 15 डिग्री टेम्परेचर है और बारिश का मौसम हो रहा है, बादल हो रहे हैं आप देख सकते हो। तो भाई ये आ चुका है अपना आज का स्टे जोस्टल, और ये मैंने बुक किया है आज के लिए, बढ़िया लग रहा था मुझे, काफ़ी मैंने रिव्यूज़ वगैरह भी चेक करे थे। और ये मेरे को पड़ा है 1600 रुपये का 2 दिन के लिए। ये भाई अपनी प्रॉपर्टी है, हॉस्टल जो है यहाँ पर देखो, मस्त व्यू है, बैठने के लिए जगह है, उधर जो रेस्टोरेंट भी है, तो खाने पीने के लिए भी सब कुछ यहीं पर ही है। तो भाई अपने साउथ इंडिया के पहाड़ों में ना ये मेरा फर्स्ट टाइम है, और ऊटी कुनूर वगैरह ये एरिया घूमने आया हूँ मैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। और ये कुछ रात का नज़ारा है अपने हॉस्टल से, नीचे का व्यू काफ़ी बढ़िया लग रहा है, पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से। और अपना आज रात का डिनर भी मैंने यहाँ हॉस्टल में ही मंगा लिया है, ये है मिक्स वेज की सब्जी और 4 रोटी, और ये मेरे को पड़ा है 280 रुपये का, तो बढ़िया खाना हो जाएगा अपने हॉस्टल में ही। बाकी जी हॉस्टल से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन और ऊटी की टूरिस्ट प्लेसेस के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी मिस मत करना।